हेलो, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और लीनियर अलजेब्रा। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स इनवर्स 2, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 4। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट सिविल इंजीनियरिंग 2019। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व कर, इसका इन्वर्स निकालना है अपने को। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपने को इसको करना है, सबसे पहले अपने को एडजॉइन ए निकालना है। एडजॉइन ए निकालने के बाद, एडजॉइन ए निकालने के बाद अपने को डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के बाद ए मोड निकलेगा। ए मोड के बाद अपने को फॉर्मूला में अपन लोग अप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स। इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए अपॉन ए। इस फॉर्मूले में अपन लोग अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स जस्ट वेट ए सेकंड, आई विल टेक ब्लैक पेन। इसमें अपने को अप्लाई कर देना है, ठीक। इस फॉर्मूले को अपने को इसको पॉइंट आउट करना है। सबसे पहले अपने को एडजॉइन ए निकालना है, उसके बाद मोड ए निकालना है। इसको फिर अपन लोग ए इनवर्स में रख देंगे तो इसका जो आंसर है अपने को आ जाएगा। सबसे पहले अपने को एडजॉइन ए निकालना है। एडजॉइन ए निकालने के लिए सबसे पहले अपने को एक प्रोसेस अपने को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन लोग इसको और इस कॉलम को अपन लोग छुपाएंगे। तो बचा क्या अपने पास, 3, 1, 2, 4। फिर इसके बाद इस रो को छुपाएंगे, इस रो को छुपाएंगे तो 4 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा और 4 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, 1 और 4 बचेगा। फिर इसके बाद अपन लोग फोर्थ रो के लिए भी सेम अप्रोच अपने को डालना है। इस रो को छुपाना है, इस रो को छुपाना है। तो बचा गया अपने पास 4, 3, 4, 3, 1, 2। इसको इतना ले लेता हूँ ताकि अपने को बाद में डिस्टर्ब ना हो। इसको नीचे ले लेता हूँ ना। फिर उसके बाद अपने को सेम अप्रोच इस सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में भी अपने को लगाना है सेम अप्रोच। उसकी हेल्प के थ्रू अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकंड रो को सॉल्व करने के लिए इस कॉलम को और इस कॉलम को छुपाएंगे तो अपने पास बचेगा 3, 4, 3, 4 और 2, 4। और थ्री वाले रो को छुपाएंगे और इस कॉलम को छुपाएंगे तो अपने पास बचेगा, इस रो को छुपाएंगे, इस रो को छुपाएंगे, फिर इस रो को छुपाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2, 4 और 1, 4। 2, 4, 2, 4 और 1, 4 आएगा। फिर उसके बाद अपन लोग 1 का छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो अपने पास आएगा 2, 3, 2, 3 और 1, 2, 1, 2 आएगा। फिर अपन लोग इस कॉलम की बात करेंगे तो अपने पास बचेगा 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 1 आएगा। वन आएगा। फिर इसको अपन लोग इस कॉलम को छुपाएंगे, इस कॉलम को छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो अपने पास आएगा 2, 4, 2, 4, 2, 4 और 4, 1 आएगा। फिर उसके बाद अपन लोग इस रो को छुपाएंगे, इस रो को छुपाएंगे और इस रो को छुपाएंगे तो अपने पास आएगा 2, 3, 4, 3। इतना आया। फिर उसके बाद अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को करना है 3 इंटू 4
और 2 into 1, सो करेंगे 3 into 4 कितना होता है, 12 होता है, 12 minus 2 कितना होता है, 10, तो अपने पास आएगा 10। और 4 into 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 minus 1 कितना होगा, -15 होगा, -15 आएगा, 1 into 1 1, -16 कितना होगा, -15 होगा। और फिर इसके बाद सेम अप्रोच इसमें भी फॉलो होगा, 3 into 3 4 8, 8 minus 3 कितना होगा, 5 होगा, 5 बचेगा। और 3 into 4 कितना होगा, 12 होगा, 12 minus 8 कितना होगा, -4 होगा। फिर उसके बाद इसको भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 minus 4 कितना होगा, 4 आएगा। और 4 minus 3 कितना होगा, 3 minus 4 कितना होगा, -1। और इसका भी सेम अप्रोच देंगे, 3 minus 12 कितना होगा, -9 होगा। और 2 minus 16 minus 2 कितना होगा, 14। और अपने पास 12 minus 6 कितना होगा, -6। ये अपने पास आया है मैट्रिक्स। फिर अपने पास एडजॉइन आ गया है अपने पास, और एक अपने को अप्रोच लगाना है, एक अप्रोच रहता है, इस अप्रोच को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस अप्रोच को याद रखना ज़रूरी है। मैं डायरेक्ट अप्लाई मतलब इसी मेथड के थ्रू सॉल्व किया हूँ, कभी भी अपने को इस मेथड को फॉलो करना है। इसमें मतलब इसमें फर्स्ट वाले रो में माइनस आता है, ये प्लस आता है, और ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, और ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, प्लस आता है। इसको मैं पहले ही अप्लाई कर दिया हूँ, तो स्टूडेंट्स आप सब याद रखना कि इसके हेल्प के थ्रू अपने को सॉल्व करना है, इस एडजॉइन ए निकालने के लिए। अभी एडजॉइन ए पूरा कंप्लीट नहीं निकला है, अपन लोग इसको पूरा कंप्लीट निकालेंगे, एडजॉइन ए। तो फिर एडजॉइन ए निकालने के लिए अपने को सिंपल अप्रोच फॉलो करना है, इस रो को इंटरचेंज करना है, इस रो को। तो फिर अपन लोग इधर लिखेंगे इसको, 10 minus 15 5, ए रो को भी सेम इंटरचेंज करेंगे वैसे, -4 a 4 -1, और इसको भी सेम इंटरचेंज करेंगे, -9 -9 14 -6। ये अपने पास एडजॉइन ए का वैल्यू आ गया है, एडजॉइन ए का वैल्यू आ गया अपने पास, और अपने को मोड ए निकालना है। एडजॉइन ए आ गया है और अपने को अभी मोड ए निकालना है। सो लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। रो ए निकालने का एक सिंपल तरीका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए। अपने को फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट रो का अपने पास क्या क्या आया था, फर्स्ट रो में जो था अपने मतलब क्वेश्चन में, क्वेश्चन का अपने को फर्स्ट रो लेना है। फर्स्ट रो अपने पास था, फर्स्ट रो में जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो इसको लेना है अपने को, 2 3 4 को लेना है अपने को,
2, 3, 4. अर्जन ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रो बोलते हैं इसको, ठीक रो अपने को, और अर्जन अडजॉइन का कॉलम लेना है अपने को, अडजॉइन का कॉलम लेना है, उधर कॉलम लेंगे इधर अपन लोग रो लेंगे अडजॉइन का, तो फिर 2, 3, 4, ठीक अपने इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद अडजॉइन ए का कॉलम का लेंगे अपन लोग, अडजॉइन ए का कॉलम में क्या था, फर्स्ट कॉलम में ए था 10 - 15 और 5, इस कॉलम को अपन लोग ले, इस रो इस कॉलम को अपन लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे 10 - 15 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ मोड ए का 2 × 10 कितना होता है 20, 20 ट्वेंटी माइनस माइनस 3 × 15 कितना होता है -45 होता है, -45 और प्लस प्लस है दोनों प्लस, 4 × 5 कितना होता है 20 होता है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -5, मॉड ऑफ ए आएगा अपने पास, मॉड ऑफ ए आया -5। अपने पास सब का वैल्यू आ गया है, इस वैल्यू को अपन लोग अप्लाई करेंगे इन्वर्स वाले फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूले पे अपन लोग फिर से अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एडजॉइन ए अपॉन मोड ऑफ ए, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख दिया हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ ए इनवर्स, मतलब वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे 1 upon -5 -5, फिर अपने अपने पास जो था एडजॉइन ए, एडजॉइन ए जो आया अपने पास ए आया, इस वैल्यू को अपन लोग एडजॉइन ए में अप्लाई कर देंगे 10 - 4 - 9 - 15 - 4 - 14 - 5 - 1 - 6, इसको अपन लोग एडजॉइन ए में अप्लाई कर देंगे 10 - 4 - 9 - 15 - 4 - 14 - 5 - 1 - 6, फिर उसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, इसको आगे चाहे तो सॉल्व करना पड़ेगा गेट में मेनली अपने को गेट में अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ता है मेनली, कुछ कुछ कभी कभी ऑप्शंस में इतने नहीं रहते हैं अपने को, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ता है, गेट हो गया, ये इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, वैसे ही अपने को कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इतना सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा, पर गेट में नहीं मिलता, गेट पीएससी और इंजीनियरिंग सर्विस में अपने को नहीं मिलेगा, तो पूरा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को इधर सिंपल सा 10 upon -5 कितना होगा -2 होगा, और -4 और -5 कितना होगा 4 upon 5 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, और -9 और -5 कितना होगा प्लस प्लस कैंसिल 9/5 होगा, और -15 upon -5 कितना होगा माइनस माइनस कैंसिल प्लस 15 15/5 कितना होगा 3 होगा। तो फिर उसके बाद सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो 4 - 5 आएगा यहाँ पे 4 - 5, और यहाँ पे सेम आएगा फिर 14 - 5, और अपन लोग -5 - -5 - 1 - 1 आएगा आंसर, और उसके बाद -1 - -5 तो 1/5 आएगा, 1 - - कैंसिल हो जाएगा, तो फिर -6 और -5 कितना होगा -, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 6/5 आएगा,
ये रहा आंसर इनवर्स मैट्रिक्स का, ये रहा इनवर्स का आंसर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियो।